हेलो फ्रेंड्स, मैं पर्णिका हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि है रिकील AHA फ्रूट फेस वॉश। इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और थोड़ा बहुत इंटरनेट रिसर्च। तो प्लीज़ कुछ भी पर्सनली मत लीजिएगा और आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। इस प्रोडक्ट का क्लेम ये है कि ये सारे ही स्किन टाइप्स को सूट करता है, सोप और सल्फेट फ्री है, नॉन कोमेडोजेनिक है और ये इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है। इसमें बहुत तरह तरह के फ्रूट AHAs यूज्ड हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि AHAs क्या होते हैं। AHAs अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। इनका रोल ये होता है कि आपकी स्किन पर जमा हुई डेड स्किन को डिसॉल्व करके हटा देता है, जिसके कई फायदे होते हैं। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कम हो जाते हैं, पिंपल्स भी कम होते हैं क्योंकि ये आपके क्लॉग्ड पोर्स को क्लियर कर देता है। प्लस थोड़ा सा एंटी एजिंग इफेक्ट भी आता है। डेड स्किन ऊपर से हट जाने की वजह से जो नीचे की हेल्दी स्किन है वो तेजी से ऊपर आती है। इसका एक और फायदा ये भी होता है कि जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी कम होते हैं। फिलहाल तो मैं इस प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रही हूं, पर मैंने इसका 200 ml का बॉटल पूरा का पूरा यूज किया है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया था। ये प्रोडक्ट मुझे टोटली सूट किया और अगर आप Amazon पे जाके देखेंगे तो इसकी रेटिंग 4 है, जो कि काफी अच्छी है। पर अगर आप Amazon पे जाके देखें तो आपने देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट ने उनकी स्किन को बहुत ड्राई कर दिया और इवन इस प्रोडक्ट की वजह से उनको पिंपल्स भी हुए। ऐसे कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट वेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए नहीं है। रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें AHAs यूज्ड हैं, कलर और फ्रेग्रेंस यूज्ड हैं। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पोर्स प्रॉपरली क्लीन हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पोर्स का साइज थोड़ा सा छोटा दिख रहा था। ऐसा मुझे 3 से 4 दिन तक इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद फील हुआ। जस्ट एन FYI, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है जो आपके पोर साइज को रिड्यूस करे। जो भी प्रोडक्ट ऐसा क्लेम करते हैं वो बस आपके पोर्स को प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्स का साइज थोड़ा सा छोटा दिखता है। इस प्रोडक्ट का एक और क्लेम ये है कि ये इवन स्किन टोन प्रमोट करता है और डार्क स्पॉट्स को कम करता है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये पूरी तरीके से सच है या नहीं। इसका कारण ये है कि आपकी खुद की बॉडी ये ट्राई करती है कि आपकी स्किन टोन इवन रहे, डार्क स्पॉट्स कम हो। प्लस मैं बहुत ही सीरियसली सनस्क्रीन यूज करती हूँ और कोई भी सनस्क्रीन इवन स्किन टोन प्रमोट करती है और डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करती है। इसलिए मेरे लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि मैंने अपनी स्किन में जो चेंजेस देखे वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से हैं। इस प्रोडक्ट के साथ कुछ सावधानी भी आती है। सबसे पहला ये कि ये एक एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट है, तो किसी भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट के साथ कोई और एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज नहीं होना चाहिए, इवन स्क्रब्स भी यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि कोई भी AHA प्रोडक्ट आपकी स्किन को थोड़ा सा सन सेंसिटिव बना देता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तीसरा, अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास किसी क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप ये अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इससे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। चौथा, अगर आप किसी फेशियल के लिए जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि फेशियल को जाने से कुछ दिन पहले इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली फेशियल्स में बहुत सारा एक्सफोलिएशन किया जाता है। इस प्रोडक्ट के साथ आपकी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं। सबसे पहला, ये आपके पोर्स को प्रॉपरली क्लीन करता है, जिसकी वजह से वो थोड़े छोटे दिखते हैं। दूसरा, इसमें बहुत सारे तरह तरह के फूड AHAs हैं,
तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पसंद है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। तीसरा, ये प्रोडक्ट वेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, पर अगर आपका स्किन टाइप ऐसा नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के क्या नुकसान हैं। सबसे पहला, ये ब्रांड हमें नहीं बताता कि इस प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज AHA है। वैसे तो ये बहुत ही माइल्ड फॉर्मूला है, पर फिर भी हम कंज्यूमर्स को ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना परसेंटेज AHA है। दूसरा, ब्रांड ये क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट सारे ही स्किन टाइप्स के लिए है, बट ये झूठ है। ये प्रोडक्ट वेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये सब कुछ था मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के बारे में। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।